बाल दिवस के अवसर पर कालाडूंगी में युवा कल्याण शिक्षा एवं खेल विभाग उत्तराखंड द्वारा विकास खंड स्तरीय 3 दिवसीय खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया गया। खेल महाकुंभ में कोटाबाग ब्लॉक के सभी विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। खेल महाकुंभ का उद्घाटन विधायक बंशीधर भगत द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक भगत ने बच्चों को परिणाम की चिंता न कर खेल के प्रति अपना पूर्ण समर्पण करने की अपील की। विधायक भगत ने कहा कि एक अच्छे एथलीट की पहचान उसके खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग रवि कन्याल भी मौजूद रहे। कालाडूंगी से मुकेश शिमवाल की रिपोर्ट। प्रदेश में खेल महोत्सव के कार्यक्रम हुए। खेल महोत्सव 2024 हमारे सचिव प्रधानमंत्री भी और सचिव मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि खेल के माध्यम से युवाओं में ऊर्जा दी जाए और उनको उनका उत्साहवर्धन किया जाए। और कल हल्द्वानी ब्लॉक का था और आज कोटाबाग ब्लॉक का खेल महोत्सव है। मैंने सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उनसे कहा है कि खेल को खेल भावना से खेलें, किसी प्रकार की व्यमस्था आपस में नहीं होनी चाहिए। ब्लॉक स्तरीय पूरे प्रदेश भर में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है सरकार द्वारा, और एक बहुत अच्छी पहल है कि आम युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं का खेल के प्रति जो रुझान बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म और एक स्थानीय स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताओं से, इस तरह के आयोजनों से एक युवाओं को जिनमें खेल के प्रति जिनमें हुनर है, जिनमें प्रतिभा है, उनको आगे आने का मौका मिलता है, जिससे स्थानीय स्तर पर हमारे ब्लॉक स्तर के जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी युवा हैं, हमारी शुभकामना है कि वो राज्य स्तर से, ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर पर और प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपना नाम रोशन करने। आज वर्ष 2024-25 का खेल महाकुंभ का शुभ शुभारंभ हमने विकासखंड कोटाबाग का कालाडूंगी इस मिनी स्टेडियम में कर दिया है। और पूरे प्रदेश भर में खेल महाकुंभ की ये विधाएँ हर ब्लॉक में, हर जिले में हो रही हैं। इससे हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों को खेलों की भावना आगे बढ़ाना, आपसी वैमनस्या दूर करना, और जो आज का बच्चा हमारा नशे की ओर प्रवृत्त हो रहा है उसको दूर करना है। और ये इसमें हम मूलभूत जो इसके उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूर्ण करने में पूर्ण सफल भी हो रहे हैं। और एक और उद्देश्य इसका यह है कि हम अब अतिशीघ्र 28वें राष्ट्रीय गेम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड को सौभाग्य मिला कि हम इसको करें, तो उसके लिए भी हम पूरा अभ्यास हमारा ये बच्चों का हो रहा है। और हमें लग रहा है कि जो कार्य हम कर रहे हैं अपने आप में बहुत अभूतपूर्व रहेगा। हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं और उनको जो भी स्थान प्राप्त होगा उसमें वो बच्चे आगे बढ़ेंगे और खेलों के क्षेत्र में अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे।